नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप वीडियो के शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो है हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है वह कई रूपों में देश और दुनिया के बाकी हिस्सों से अपनी अलग पहचान रखती है, चाहे यहाँ का गीत संगीत हो या फिर यहाँ की अन्य परंपराएं इत्यादि। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो विशिष्ट एक परंपरा है, एक विशिष्ट एक जो रिवाज है देव देवताओं के मानव शरीर में अवतरित होने का, उसकी वीडियो क्यों नहीं बनानी चाहिए इस बारे में। वीडियो की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो अगर वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को आए को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस उत्तराखंड की इस विशिष्ट परंपरा के बारे में। जैसा कि हम देश दुनिया में कहीं भी किसी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहाँ जो देव देवताओं की पूजा होती है वह उनकी मूर्ति या फिर इस तरह से अन्य स्वरूपों होती है। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है, हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ देवी देवता साक्षात अपने स्वरूप में इसी मनुष्य के शरीर में अवतरित होकर उनको दर्शन देते हैं, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जो पौराणिक देवी देवता होते हैं उन सबकी एक सवारी होती है, जैसे कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शिव जी का बैल, गणेश जी का वाहन मूषक तथा कार्तिकेय जी का मोर इत्यादि अनेक सभी देवताओं के अनेक अनेक वाहन होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो उत्तराखंड के लोग देवता होते हैं इनके भी वाहन होते हैं हमारे मनुष्य। जैसे कि जिन लोगों के शरीर में इन देव देवताओं का अवतरण होता है उन लोगों को डांगर या पशुआ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि डांगर का सामान्य अर्थ होता है जानवर इत्यादि, उसी प्रकार से गढ़वाल इत्यादि कई क्षेत्र में इनको पशुआ कहा जाता है। तो पशुआ जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पशु। जब कभी भी भक्तजन अपनी करुण पुकार या फिर अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए उनको पुकारते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ही देव देवता इन अपने माध्यमों यानी कि अपने वाहनों में अवतरित होते हैं, जो कि उत्तराखंड की इस परंपरा को अपने आप में विशिष्ट बनाती है। इनके द्वारा कई कई तरह के चमत्कार होते हुए प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने देखे हैं और देखे होंगे आप में से भी अधिकांश ने। तो ये तो रही इस परंपरा की बात। तो अब हम आते हैं वीडियो के असली टॉपिक पे कि इन देव देवताओं की वीडियो क्यों नहीं बनानी चाहिए। इस वीडियो में मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है आप में से कुछ इनसे सहमत हो या कुछ नहीं हो, लेकिन आप एक बार इन पर विचार जरूर कीजिएगा। तो इनकी जो वीडियो या फोटो न खींचने का जो पहला कारण है वह है कि हमारी संस्कृति से अनभिज्ञ लोगों का इस परंपरा का मजाक बनाना। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब इसमें शायद जिसने वो वीडियो बनाई उसका मकसद कुछ और रहा होगा या जो भी होगा, लेकिन जो लोग इस परंपरा को नहीं समझते हैं, इस रिवाज को नहीं समझते हैं, या फिर यह जो प्रक्रिया है, यह जो हमारा विश्वास है, यह जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इसको नहीं समझते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको समझ में तो वो आएगी नहीं, तो उस परंपरा का मजाक बनाएंगे। आप और हम इस बात से रोजाना दो चार होते हैं। आप किसी भी वीडियो को सर्च कीजिए, उसमें नीचे से कमेंट पढ़िए, जो कोई इस परंपरा से अनभिज्ञ लोग हैं उनके कमेंट पढ़िएगा तो आपको खुद असली समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो इस परंपरा के बारे में मानते तो है नहीं। अब आप इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वो तीसरा आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देव देवताओं का, हमारी इस आस्था का मजाक बनता है। सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, हमारी नई पीढ़ी भी जिनको कि इन परंपराओं का ज्ञान नहीं है वो भी इस बात का मजाक बनाते हैं। तो आप कहीं भी इस तरह के समारोह, इस तरह के उत्सव जैसे कि जागर, पुजारी इत्यादि इन किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो इन देव अवतरण की वीडियो बनाने से बचें। अब जो दूसरा और एक और महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि जैसे हम कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं या फिर किसी ऐसी परंपरा को देखते हैं जो कि हमें सीखने या फिर हमारे ज्ञानवर्धन या फिर हमें लगता है कि किसी दूसरे को दिखाए जाने योग्य होती है। जैसे कि आप किसी पर्यटक स्थल पर गए तो वहाँ की सुंदरता आपको अच्छी लगी तो आपने उसका वीडियो बनाया या फिर उसकी फोटो खींची तो आपने सबको दिखाया, अच्छी बात है। या फिर कोई ऐसी परंपरा हो, ऐसी कोई जानकारी हो जिसे कि आप देश दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसकी आप वीडियो बना सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो जागर गायन होता है, महागाथा, महाभारत इत्यादि जो गायन होते हैं, वीर गाथा, भड़ो, इस तरह के नाम से कई नामों से इनको जाना जाता है, तो उनकी वीडियो आप बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचे, अच्छी बात है। वो गायन शैली, उसका ज्ञान, वो संरक्षित भी रहेगा उससे। लेकिन हमारे यहाँ जो देव अवतरण की विशिष्ट परंपरा है, यह कोई पर्यटन की या फिर दिखावे की संस्कृति नहीं है, यह हमारी एक आस्था है, हमारा एक विश्वास है। आप मंदिरों की वीडियो बनाइए, आप पर्यटक स्थलों की वीडियो बनाइए, यहाँ तक कि आप किसी लोकगीत, संस्कृति, लोक परंपरा, लोक गायन, लोक नृत्य, इन सब की वीडियो बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे देव अवतरण की प्रक्रिया है, जैसे कि देव डांगर अवतरित होते हैं, वो नाचते हैं, वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, वो कोई ऐसे दिखाने की चीज़ नहीं है।
नहीं वो किसी दूसरी पीढ़ी को ऐसे सीखते हुए देने की चीज है, वो एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। आपने जिसने वो जिंदगी भर कभी नहीं देखी हो, जैसे कोई बाहर से कोई पहली बार पहाड़ में आता है, हो सकता है उस पर भी वो अवतरित हो जाए। जैसे कि यहाँ की कोई नई पीढ़ी का बालक या फिर व्यक्ति जिसने पहाड़ से बाहर कहीं जन्म लिया और वो पहली बार ही पहाड़ आया हो, तो हो सकता है उस पर भी देव अवतरण का प्रभाव हो सकता है। तो ये कोई सीखने सिखाने की या फिर ऐसी कोई ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी परंपरा या फिर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हमें वीडियो बना के हमें कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये थे इस देव अवतरण की जो प्रक्रिया है, हमारी जो परंपरा है, इसकी वीडियो को न बनने के कारण। उम्मीद है आप सब मेरी बातों को समझे होंगे और शायद आप में से अधिकांश लोग इन बातों को जानते भी होंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके आसपास किसी को या फिर आपकी नई पीढ़ी को किसी को इन बातों को जानने की जरूरत है, तो आप उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और हो सके तो आगे जब कभी भी आप ऐसे किसी समारोह में जाएंगे, कहीं जागर चल रहा हो या फिर कहीं ऐसे महागाथा गायन चल रहा हो या फिर ऐसे कोई मेले उत्सव डोले इत्यादि जो भी उठते हैं, उनमें अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो उसकी वीडियो बनाने से बचें। आप सिर्फ आंखों से आनंद लीजिए, वहां पर प्रत्यक्ष रूप में रहकर उसका लाभ लीजिए, उसमें आपको असीम आनंद की अनुभूति हो, लेकिन उसकी वीडियो बनाकर आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जाने अनजाने में अपनी संस्कृति का मजाक बनाने से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से देव अवतरण की वीडियो बनाने के मेरे अनुसार दो कारण है मुख्य रूप से। पहला तो ये कि हमारी संस्कृति का मजाक इत्यादि बनाने से बचने के लिए उनके द्वारा जो कि इस परंपरा से परिचित नहीं है, और दूसरा ये जो देव अवतरण की प्रक्रिया है ये कोई इस तरह से रिकॉर्डिंग करने की या फिर किसी दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया नहीं है। आप अगर वहां पर रहें तो आप स्वयं उसकी अनुभूति कीजिए, उसका आनंद लीजिए। मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा, ये कोई व्यवसायीकरण या फिर इस तरह से दिखावे की संस्कृति की वस्तु नहीं है। और जब कभी भी आप इस तरह से देवताओं के दर्शन करने जाएं तो सिर्फ दर्शन करने ही जाएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारतवर्ष।